तौर पर या क्या भाषा के तौर पर मैं वहां पहुंच गई हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं दिल्ली से जुड़ गई हूँ। तो जो मुक्ति कौन पथ है, ये बाबा साहब का सबसे बड़ा महत्वपूर्ण भाषण, उस पर हम गौर कर रहे हैं। मैंने कल ही कहा था कि मुंबई इलाके के जो महार लोग हैं उनकी एक परिषद, मातंग लोग हैं उनकी एक परिषद, संत समाज के लोग जो है उनकी एक परिषद, ऐसे करीबन 50,000 से ज्यादा लोगों की परिषद बाबा साहब ने 31 मई और 1 और 2 जून 1936 को ली थी। और उसमें महार परिषद में, सिर्फ महार परिषद में जो जो लोग आए थे उनके लिए पूरी मराठी में उन्होंने भाषण किया था। और उसका यह सार हम इस शिविर में उस पर गौर करने वाले हैं, हम सुनने वाले हैं, हम सोचने वाले हैं उस पर। कल हमने देखा कि मुक्ति कौन पथ है, इसका मतलब होता है कि मुक्ति किस मार्ग पर है, तो वो मार्ग हमें देखना है। तो सवाल का यह सवाल का यह क्या विधान है, तो मुक्ति कौन पथ है, किस पथ पर, किस मार्ग पर हमें मुक्ति मिल सकती है। इसलिए बाबा साहब ऐसे होशियार, ऐसे चतुर, बहुत बुद्धिमान, बहुत प्रज्ञावान बोधिसत्व थे कि जो लोग उनके पीछे आने वाले थे, जिन लोगों के लिए वह मुक्ति दिलाना चाहते थे, जिन लोगों को मुक्ति दिलाना चाहते थे, जो जिन लोगों के लिए कल्याण का मार्ग ढूंढना चाहते थे, उन लोगों को उन्होंने सीधे सीधे नहीं बताया। हो सकता है उन्हें उन्होंने मन में ही ठान लिया हो कि मैं तो भगवान बुद्ध का धर्म ही अपना लूंगा। और ऐसा भी कर सकते थे, देखो लोगों, आप मेरे समाज के हो, मेरे जाति के हो, तो चलो मैं जिस धर्म को अपनाता हूँ उसी धर्म को आप अपनाओ। ऐसा उन्होंने किया नहीं, उन्होंने अपने ताकत का गलत इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। बोधिसत्व कभी भी इस तरह का नहीं होता। बोधिसत्व लोगों को पहले समझाता है, उनकी राय लेता है, और उनकी जब सोच बदल जाती है, उनके मन, उनके विचार तैयार हो जाते हैं, और खुद ठान लेते हैं कि हाँ, इन्होंने जो कुछ बताया है वो सच है, वो हमें मंजूर है, तभी वो उस मार्ग पर चलना चाहते हैं। बोधिसत्व का यही काम है। और बहुत प्रज्ञावान होने की वजह से, उनमें करुणा भी उतनी ही थी, उस करुणा की वजह से उन्होंने जो अपने अज्ञानी भाई थे, भाई बहने थी जो उनके समाज की थी, तो दूसरे समाज की भी थी, उनको अपने जो बुद्धि की ताकत है उस ताकत का गलत इस्तेमाल न करते हुए उनको बताया कि आपको, आप क्या है, कहाँ है, आपको क्या बीमारी है, और उस बीमारी से बचने के लिए आपको कौन सी दवाई लेनी है। तो इसलिए बाबा साहब उनको धर्मांतर के बारे में सोचने के लिए अवसर देते हैं। वो कहते हैं कि यह जो भाषण है वो सिर्फ धर्मांतर करना है, इस पर ही आधारित है। तो धर्मांतर करने के लिए उन्होंने पहले उनको बीमारी बताई। बीमारी क्या थी, तो पहले धर्मांतर करने के दो कारण बताए उन्होंने। एक था भौतिक कारण, जो सांसारिक कारण भी कहते हैं, हम कह सकते हैं हम उसे, और दूसरा धार्मिक या आध्यात्मिक कारण। तो पहले मैंने कल भौतिक कारणों के बारे में बहुत सारा कहा। मुझे भौतिक शब्द के लिए हिंदी में कुछ शब्द नहीं मिला, तो मैं यही इस्तेमाल करूंगी या सांसारिक इस्तेमाल करूंगी, क्या है मुझे पता नहीं, बाद में बताओ मुझे कि भौतिक शब्द के लिए या ऐहिक, ऐसा मराठी में कहते हैं, उस शब्द के लिए आपके यहाँ क्या शब्द है। तो वो जो भौतिक कारण है वो उन्होंने बताया। सबसे पहले उन्होंने बीमारी की जड़ बताई। उन्होंने कहा, क्या आपको अस्पृश्यता पता है? जो अस्पृश्यता है, हमें जो अनुभव मिला है,
उसी अनुभव पर आधारित हम सोचते हैं कि यही अस्पृश्यता है। लेकिन पूरे समाज के अनुभव अगर हम सुनेंगे तो हमें पता चलेगा कि सिर्फ यही अस्पृश्यता नहीं, अस्पृश्यता बड़ी है, उसका स्वरूप बड़ा है। तो उन्होंने अस्पृश्यता किस तरह की होती है उस तरह के एक एक उदाहरण लोगों को बताए। जैसे कि मैंने बताया कि अगर शौच को जाना चाहते हैं तो शौच साफ करने के लिए हम गड़वे में पानी नहीं ले जा सकते। कोई गड़वे में पानी ले जा सकता लेकर जाएगा तो उसको पीट सकते। तांबा पीतल के बर्तन में कोई कुएं से पानी नहीं ला सकता, भर नहीं सकता। कोई नया कपड़ा नहीं पहन सकता, कोई घोड़ी पर शादी अपने घोड़ी पर बैठ नहीं सकता। इस तरह के जो जो लोग वो लोग जो करते थे वो हम नहीं करते, ऐसी अस्पृश्यता थी। बाबा साहब के जीवन में हमने देखा है कि बाबा साहब का जीवन बचपन से देखा जाए, स्कूल जब वो गए तब से देखा जाए तो उनको बाहर बिठाया जाता था। उनके खुद के अनुभव थे। वो इतने होशियार थे जो गणित या क्या कहें अंक गणित उसका जो उदाहरण है वो सुलझाने के लिए वो जो ब्लैक बोर्ड है उसकी ओर गए तो सारे बच्चे चिल्लाए कि हमारे खाने के डिब्बे उसके पीछे हैं। तो वह उसको हाथ नहीं लगा सकते। मराठी में उसको विटाल कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन यह शब्द मुझे मिला नहीं हिंदी डिक्शनरी में। तो बाबा साहब को वो अनुभव हुआ कि मेरे ही जैसे दिखने वाले लोग सिर्फ मन में गंदगी भरी है अस्पृश्यता और स्पृश्यता की, उसकी वजह से मुझे वहां जाने नहीं देते। मैं चाहे कितना भी होशियार हूं, मेरी बुद्धि कितनी भी उनसे बड़ी है मेरी, तो मैं उनके साथ बराबरी नहीं कर सकता। ये अस्पृश्यता उन्होंने बताई। उन्होंने वर्ग कलह बताया कि एक स्पृश्य है और एक अस्पृश्य है। तुम जो करते वो जो करते हैं हम नहीं कर सकते। उनके मन में ऐसी गंदी सोच भरी हुई है। वैसे तो कोई हम काम किसी से पैसे लेकर खरीदते नहीं, कोई बात, लेकिन अलग अलग तरीके से वो हमें रोकते हैं, हमारे उन्नति को रोकते हैं, हमें आगे नहीं जाने देते, हमारा विकास नहीं हो पाता। और हम ऐसे क्यों, हमारा काम सिर्फ उनकी सेवा करना। वो वर्ग कलह उन्होंने बताया, उसको सामाजिक दर्जा का कलह हम कहते हैं। और तीसरी बात उन्होंने कही कि हमारे पास, यानी पहले बीमारी की जड़ बताई, उसका कारण बताया, और वो कहते हैं कि अगर इस पर अमल करना है, इस बीमारी से उठना है, तो उन्होंने बताया कि हमारे पास तीन बल होने चाहिए। एक है मनुष्य बल, दूसरा है द्रव्य बल, और तीसरा है मनोबल। मनुष्य बल, हम तो मनुष्य हैं, लेकिन हम में भी जो अस्पृश्य लोग हैं उनमें भी बहुत सारे जाते चमार है, महार है। अगर महाराष्ट्र में देखा जाए तो विदर्भ में दो तीन प्रकार के महार लोग हैं। एक महार जाति दूसरे जाति से जल्दी शादी नहीं करती, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, लेकिन यहाँ भी सोमवंशी महार, सूर्यवंशी महार, ऐसे महार लोग। एक महार जाति के दो भाग है, एक जाति दूसरी जाति से शादी नहीं। तो एक अस्पृश्य जाति में भी अगर भेद है तो मनुष्य में बल कैसे होगा। यह बात गहराई से सोचने के लिए उन्होंने हम पर वो हमारे जो पूर्वज उस सभा में थे उन पर छोड़ दी। तो संगठन नहीं है, बिखरे हुए हैं। मुसलमान का उन्होंने उदाहरण बताया कि अगर मुसलमान है उनको उनका पूरा संगठन एक ही है, कहीं भी जाओ देश में मुसलमान मुसलमान ही है। उनमें भी जाति है, क्योंकि आजकल उनकी भी जाति मुझे दिखाई देती है, उनमें भी ओबीसी है, ओपन है, ऐसे अलग अलग, लेकिन वो सिर्फ नौकरी के लिए वो इस्तेमाल करते हैं, बाकी किसी चीज के लिए हर एक और सलाम अलैकुम ही कहते हैं। तो एक मुसलमान के दो ही घर है मुसलमान के, एक मुसलमान को कुछ दिक्कत आई
उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक पूरा मुसलमान समाज इकट्ठा हो जाता है, उसके पीछे खड़ा रहता है, कहते हैं हम है डरो मत। ऐसी उनकी जो ताकत है, उनका जो बल है मनुष्यों का, वो हमें नहीं। हम देखते हैं कि उसको पीट रहे हैं, हम वहां जाते नहीं, उसको रोकते नहीं, सिर्फ उसको मार खाते हुए देखते। हम डरे हुए रहते हैं, हम सहमे हुए रहते हैं, और अन्याय अगर हुआ तो न्याय के लिए आवाज उठाते नहीं, न्याय मांगते नहीं। यह बात है। द्रव्य बल, कोई नौकरी नहीं है, कोई खेती बाड़ी नहीं है, व्यापार उद्यम नहीं है, तो धन कहाँ से होगा? अगर कहीं से भी थोड़ा सा भी धन इकट्ठा किया तो हम उससे कपड़े खरीद लें। बाबा साहब का बहुत अच्छा उदाहरण है। वो अपने माँ के साथ सातारा में, उनकी माँ साड़ी लेने के लिए गई और बहुत देर तक वो दुकान के सामने खड़ी थी, उसको दुकानदार आने नहीं दिया। उसने दूर से अंगुली निर्देश किया, अपनी उंगली दिखाई कि वो साड़ी मुझे। उसको बाद में बहुत देर तक तरसाने के बाद उस दुकानदार ने उनको साड़ी दी। वो भी कैसी दी? और नई नई पहननी चाहिए। वो साड़ी तो लिया, मिट्टी में घसीट लिया, मिट्टी लगाई पूरी गंदी की उसको, और उसको दे दिया। यह बाबा साहब ने अपनी आंखों से देखा था, उनको बहुत गुस्सा आया। पर कह सकते थे, नन्हे से बच्चे थे, लेकिन उनके उनको यह याद था कि इस तरह अस्पृश्यता का अनुभव है। बाबा साहब ने यह अनुभव अपने चरित्र में शेयर किया है। तो द्रव्य होते हुए भी अगर हम नई चीज खरीदना चाहते हुए, तो हम नई चीज खरीद नहीं सकते, उसको गंदा करके हमें दिया। द्रव्य नहीं था, हम बहुत कमजोर थे द्रव्य के बारे में। कोई भी ऐसा धनवान आदमी अस्पृश्य लोगों में दिखाई नहीं देता था। बाबा साहब का खुद का जीवन, वो जब तक क्या बैचलर पदवी प्राप्त करते समय तक उनकी जो घर की हालत थी वो बहुत कमजोर थी। पैसों की वजह से उनको बहुत परेशानियां उठानी पड़ी। रमाबाई ने से बहुत झेला। रमाबाई इतना उसने झेला कि उनका संसार परिवार संभालने के लिए उसने बहुत काम किया। आखिर में उसको टीबी हुआ। तो द्रव्य बल का यह उदाहरण बाबा साहब से ही शुरू होता है। और तीसरा उन्होंने कहा था मनोबल। अन्याय सहते रहते हैं हम, न्याय किसी से मांगते नहीं, क्योंकि मन में बल ही नहीं है। हमें ढाड़स नहीं बढ़ाते, ढाड़स बांधते नहीं, बढ़ाते नहीं, साहस नहीं हमें, तो मनोबल कहाँ से? तो यह तीन चीजें नहीं है, यह सब प्राप्त करने के लिए हमें अस्पृश्यता मिटाने के लिए, सामाजिक वर्ग का कलह मिटाने के लिए, और ये तीन बल प्राप्त करने के लिए हमें धर्मांतर करना है, ऐसा बाबा साहब ने लोगों को कहा। यह है भौतिक कारण। अभी हम जाएंगे आध्यात्मिक या धार्मिक कारण की ओर। बाबा साहब जो है वो धर्मांतर का आध्यात्मिक कारण बताते हैं। वो बताते हैं कि धर्म किस लिए है, धर्म की आवश्यकता क्या है। धर्म की अलग अलग परिभाषाएं लोगों ने बताई है। वैसे तो भगवान बुद्ध और उनका धर्म, इनमें उन्होंने बताया कि धर्म की कोई एक व्याख्या नहीं। तो धर्म कैसे? धर्म जैसे जैसे, यानी शुरू शुरू में वह जादुई तौर पर था। सूरज उग रहा है, वो उसका अस्त हो रहा है, तो ये कैसे उग रहा है और कैसे जा रहा है? अंधेरा कैसा छा रहा है? बाढ़ कैसे आ रही है? ये भूकंप कैसे हो रहा है? भूचाल कैसे आ रहा है? इस सब के पीछे कोई एक शक्ति है, जरूर कुछ तो है। इस शक्ति ये अगर अप्रसन्न हो जाती है तो वह हमें परेशान करती है। उसको प्रसन्न करने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। इस तरह से लोगों ने कुछ पूजा अर्चाएं शुरू कर दी। जैसे कि हमारे यहाँ भी कभी बड़ी बाढ़ आती है तो महिलाएं जो हिंदू धर्म की है वो ऐसी साड़ी साड़ी लेती है, हरी साड़ी, कुछ कंगन लेती है, और हल्दी और कुंकू कुंकू
कुमकुम जो है वो लेकर जाती है, दिया जलाती है और उसको कहती है शांत हो जाओ माई, शांत हो जाओ, तो उसकी पूजा करती है। तो आज भी वह जादुई चमत्कार धर्म के नाम पर दिखाई देता है। तो जादू यही धर्म का स्वरूप था। आगे आगे जाकर लोगों ने दिखा, लोगों में दिखाई दिया, जो ब्राह्मण वर्ण था उनको, तो उन्होंने जाना कि ये सारे पागल लोग हैं, उनको सीधे से सहजता से बुद्ध बनाया जा सकता है। तो उन्होंने इसका धर्म बनाया, इसको कुछ विधियां बनाई, वो विधियां सिर्फ हम कर सकते हैं, ऐसा कह कहकर वेदों ने ये कहा, वेदों ने वो कहा, ऐसा कहा जाता है, वैसा कहा, ऐसा सनातन धर्म बनाकर लोगों के सर पर थोप दिया। और धर्म इस प्रकार से थोड़ा 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 बढ़कर बहुत बड़ा हुआ, जो कि हिंदू धर्म बना। तो ये हिंदू धर्म का कोई कोई परिभाषा नहीं थी, लेकिन इस तरह की उसकी उसका विकास है ये हम देखते हैं। बाबा साहब कहते हैं कि धर्म किस लिए, आवश्यकता क्या है, धर्म की कई परिभाषाएं। तो बाबा साहब समाज शास्त्र जो है सब्जेक्ट है, उसके अभ्यासक थे, आपको पता है, उन्होंने उसमें सोशल साइंस में भी बहुत पढ़ाई की अच्छे से। तो जो सोशलिस्ट है, जो समाज सुधारक है या समाज के शास्त्रज्ञ है, उनकी परिभाषाएं भी उन्होंने बताई। तो पहले उन्होंने भारत में एक जो नेता है जिनका नाम है लोकमान्य तिलक, उनकी परिभाषा हमें समझाई। तो उसमें से पहली एक जचने वाली एक परिभाषा है, उसमें वो है धर्म वही जिससे प्रजा का धारण हो जाए। यानी प्रजा सब उसमें क्या है, प्रजा को धारण करता है धर्म, और प्रजा के हित के लिए होता है नहीं होता है वो तो कोई बात नहीं, सिर्फ धारण करता है। यह परिभाषा लोकमान्य तिलक जी की है, इसलिए मुझ पर, वो कहते हैं कि यह परिभाषा उनकी होने की वजह से मुझ पर कोई आरोप नहीं लगाया कि देखो देखो बाबा साहब अंबेडकर ने खुद की परिभाषा बनाई है। तो लेकिन यह परिभाषा उनको मंजूर है, ऐसा वो कहते हैं। बाबा साहब बहुत बड़े दिल के, चाहे विचार के तौर पर उनका किसी से जमता नहीं था, जमता यह शब्द मुझे पता नहीं कितना अच्छा है, लेकिन कभी कभी उनके साथ मेल नहीं खाते, उनके विचारों के साथ उनका विचार मेल नहीं खाता था, फिर भी जो जो अच्छी चीजें अपने शत्रुओं में भी है उसको स्वीकार करते थे। तो बाबा साहब ने भले ये लोकमान्य तिलक जी है, उनके साथ उनके विचार मेल कभी कभी नहीं खाते थे, फिर भी उनकी जो परिभाषा है उन्होंने उसको मंजूर किया, वो मुझे मंजूर है ऐसा कहते हैं। तो समाज के लिए जो बंधन है वही धर्म है, ऐसा कहना था उनका। तो समाज जो होता है, समाज किसी एक मनुष्य का नहीं होता, एक व्यक्ति का नहीं होता। जब सारे व्यक्ति इकट्ठा आ जाते हैं, व्यक्ति का एक परिवार होता है और एक परिवार इकट्ठा आ जाते हैं, उस परिवार सारे परिवारों का मिलकर, सारे लोगों का मिलकर एक समाज बन जाता है। समाज में आपसी व्यवहार के लिए कोई बंधन रहते हैं और वो बंधन धर्म में रहते हैं। तो समाज के लिए जो बंधन है, जो भी बंधन समाज समाज के लिए लागू है, उस बंधन को ही धर्म कहा जाता है। इसलिए बंधन किस तरह के होने चाहिए, इसकी स्पष्टता मात्र इस परिभाषा से, यानी लोकमान्य तिलक की परिभाषा से मिलती नहीं, प्राप्त नहीं होती, या उसका बोध नहीं हो जाता, या वह स्पष्ट रूप में सामने नहीं आती कि किस तरह के बंधन समाज के लिए होने चाहिए। उन्होंने सिर्फ कहा है कि धर्म ऐसा होना चाहिए कि जिससे समाज के लिए बंधन होने चाहिए। तो बाबा साहब कहते कि बंधन कैसे होने चाहिए, यह सवाल वैसे ही वहां रहता है कि परिभाषा तो मुझे मंजूर है, लेकिन समाज के लिए बंधन कैसे हो जाना चाहिए यह स्पष्ट नहीं होता, इसलिए सवाल ऐसे ही था रह जाता है कि बंधन कैसे होने चाहिए, धर्म क्या है और अधर्म क्या है यह परिभाषा पर निर्भर है। तो इस परिभाषा से धर्म और अधर्म क्या है यह हमें स्पष्ट नहीं होता। वह जो बंधन है उसका हेतु और उसका स्वरूप इन पर निर्भर है। तो धर्म का जो बंधन है उसका हेतु और उसका स्वरूप कैसा है उस पर वह धर्म निर्भर है, किस तरह के बंधन होने चाहिए, ऐसा बाबा साहब ने कहा। तो
सच्चे धर्म का स्वरूप कैसा होना चाहिए, ऐसा भी सवाल उन्होंने उठाया है। समाज और व्यक्ति, इनका तकनीकी तौर पर संबंध क्या और कैसा होना चाहिए, यह सवाल तो उठता ही है। सारे सवाल ही उन्होंने किए हैं और आगे जाकर उनको सुलझा है। आधुनिक समाज शास्त्र की राय उन्होंने बताई है। तो जो शास्त्रज्ञ जो है, आधुनिक समाज शास्त्रज्ञ, तो वो क्या कहते हैं कि सुख प्राप्ति करना यह समाज के संगठन का हेतु या उद्देश्य होना चाहिए। यानी धर्म जो है, धर्म से सुख प्राप्ति होनी चाहिए, ऐसे समाज के संगठन का हेतु या उद्देश्य होना। समाज जब संगठित हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है और जिस बंधन को अपनाता है, उस बंधन से उसको सुख प्राप्ति होनी चाहिए, ऐसा होना। व्यक्ति को अपने गुणों को और ताकत का विकास करने की करके पूर्णता की स्थिति प्राप्त करने के लिए मदद होनी चाहिए, ऐसा उद्देश्य धर्म का होना। तो जो गुण व्यक्ति में होते हैं, जो उसकी शक्ति ताकत या सामर्थ्य होता है, उसका विकास करके पूर्णता की ओर जाकर उस स्थिति को प्राप्त करके करने के लिए धर्म की मदद होनी चाहिए, ऐसा उसका स्वरूप रहना। और तीसरी बात वो बताते हैं कि व्यक्ति का उन्नति, व्यक्ति की उन्नति या सुख, यह उद्देश्य न होकर आदर्श समाज की रचना करना, यह समाज का, यह वो धर्म का उद्देश्य होना चाहिए। हिंदू धर्म यह तीनों कल्पनाओं से अलग है। देखो, यह जो समाज शास्त्र के बाबा साहब ने उनके नाम बताए नहीं, मुझे जो पता है वो है ऑगस्ट क्रॉम्प्ट, दूसरा है मार्क्स, वो भी समाज शास्त्रज्ञ था। ये दो तो मुझे पता ही है, तो उनमें से एक नाम उन्होंने बताया नहीं, इसलिए मुझे भी पता रहे कि किस शास्त्रज्ञ ने यह बताया है। लेकिन ये तीन कल्पना बताई, क्या बताया है कि सुख प्राप्ति करना समाज के संगठन का उद्देश्य होना चाहिए। जब धर्म के बंधन को अपनाकर हम सुख प्राप्ति करने का प्रयास करते हैं, तो वो उद्देश्य दूसरे व्यक्ति के गुणों का विकास और उसके सामर्थ्य के विकास और तीसरे आदर्श समाज की रचना। तीन अलग अलग शास्त्रज्ञों ने तीन अलग अलग अपने विचार हमारे सामने रखे हैं। तो क्या हिंदू धर्म इस कल्पना से जुड़ता है, इन तीनों कल्पनाओं से जुड़ता है? बाबा साहब कहते हैं बिल्कुल। इन शास्त्रज्ञों ने जो तीन कल्पनाएं, जो तीन परिभाषाएं धर्म की बताई है, वो इस हिंदू धर्म से पूरी अलग है। हिंदू धर्म उनसे जुड़ता ही नहीं, हिंदू धर्म उनसे अलग है। हिंदू धर्म कैसा है? बाबा साहब पहले हिंदू धर्म का स्वरूप बताते हैं। क्या है हिंदू धर्म? ऐसा है जिसमें व्यक्ति को स्थान नहीं, मनुष्य को स्थान नहीं। हम आज भी देखते हैं, क्या देखते हैं कि हिंदू धर्म में व्यक्ति को बिल्कुल स्थान नहीं। तो किसको स्थान है? देव, यानी क्या कहते हैं, ईश्वर। ईश्वर वो उनमें प्रधान है। ईश्वर की पूजा अर्चा, उसकी विधि आप, इसको स्थान है। एक व्यक्ति बीमार है और यहाँ ईश्वर है, ईश्वर का मंदिर है, ईश्वर के मंदिर के सामने एक बीमार व्यक्ति खड़ी। तो अगर हम उसको क्या वो चढ़ा अन्न हो क्या चढ़ाते हैं, नैवेद्य कहते हैं हम उसको, अगर उसको देते हैं, अर्पण करते हैं अन्न, तो वो पहले दे जाना देना चाहिए, क्योंकि मैंने मुझे मेरे सामने ईश्वर प्रधान है, मैं उनको दे दूंगी, ईश्वर को दे दूंगी, उस भिखारी को या भूखे हुए भुखमरी से जो ग्रस्त है मनुष्य, उसको नहीं। यह भूख इसको लगी है, यहाँ पत्थर है, लेकिन हम पत्थर को चढ़ावा देते हैं या कुछ, या चढ़ाते हैं उसके सामने, देते हैं, अर्पण करते हैं। जो मनुष्य जिंदा है, जो भूखा है, उसको कुछ नहीं। ऐसा अनुभव कई बार हमारे जीवन में अभी भी आता है, पहले तो बहुत ही आता था। कुत्ते बिल्ली का जीवन भी अच्छा था, गाय भैंस का जीवन भी अच्छा था, उससे बदतर कितना, यानी बहुत ही निचले दर्जे का जीवन हमारा था। क्या हम भी हिंदू धर्म का ही भाग थे, हिस्सा थे?
भी हमें कोई भी स्थान उसमें नहीं था। ईश्वर का प्रधान स्थान है, वो आज भी है और शायद कल भी रहेगा उनके हिंदू धर्म। तो ऐसा हिंदू धर्म है कि जिसमें व्यक्ति को, मनुष्य को स्थान बिल्कुल नहीं है। कोई अगर आदमी, दूसरा एक उदाहरण उसके लिए बताती हूँ। एक हमारे यहाँ क्या कहते हैं, बेवड़ा शराबी आदमी, बहुत शराब पीती उसने, तो वो उसका उसकी जो स्मृति है वो खो बैठा और वो मंदिर में घुस गया और बहुत वहां नुकसान किया। जब लोगों ने उसको देखा तो उसको इतना पीटा, उतना इतना पीटा कि वो मरने के द्वार में खड़ा था। वो तो मूर्ति पत्थर की थी लेकिन उनकी भावना ये वहां है, सिर्फ भावना है। तो अगर वो सचमुच मनुष्य को मनुष्य का स्थान होता तो वो उसको बाहर लाते, उसको पकड़ के रखते जब तक उसको होश नहीं आता, और उसके बाद वो अगर पूछते उसको कोई दंड या क्या कहते हैं सजा थोड़ी सी भी देते जो कि इतनी मारपीट नहीं करते तो अच्छा रहता। लेकिन जो करुणा है उनके दिल में नहीं थी, उनके पास सिर्फ ईश्वर सामने है, उसके आगे। तो ऐसे ऐसे कई उदाहरण हमें आज भी दिखाई देते हैं। मंदिर में जाया गए इसलिए पीटा, इसको स्पर्श किया इसलिए पीटा। तो आज भी मारपीट होती रहती है लेकिन पहले से बहुत कम है, उतनी नहीं है। तो व्यक्ति को स्थान बिल्कुल नहीं है, आज भी हमें कई जगहों पर दिखाई देता। जो हिंदू धर्म की रचना है, स्वरूप है, वो श्रेणी पर आधारित है, वर्ग पर आधारित है। आपको पता है कि हिंदू धर्म में चार वर्ग है। पहला ब्राह्मण है, दूसरा क्षत्रिय है, तीसरा वैश्य है और चौथा शूद्र है। तो शूद्र जो है वो चौथा आया है, वो सबकी सेवा करेगा। जो शूद्र है वो कितना भी होशियार है, पंडित है, वो ऊपर नहीं जाएगा, ब्राह्मण नहीं बनेगा। ब्राह्मण कितना भी नीच हो वो शूद्र नहीं बनेगा। क्षत्रिय कितना भी उसको संस्कृत आता हो, उसको वेद पठन आते हो, लेकिन ब्राह्मण नहीं। वैश्य कितना भी शूर हो, शस्त्र पकड़ता हो, फिर भी वो क्षत्रिय नहीं बनेगा। बाबा साहब उसको ऐसा इमला कहते हैं, यानी क्या कहते हैं, इमारत, कि जिसको कोई दादर जिसे क्या कहते हैं, जीना जिससे चढ़ते हैं, तो वो नहीं है उसको। जो ऊपर रहता है वो ऊपर ही रहेगा, जो 3 नंबर पर रहता है वो 3 नंबर पर रहेगा, वो 2 नंबर पर रहता है 2 नंबर पर रहेगा, 1 नंबर पर रहता है। नीचे से ऊपर कोई नहीं जा सकता, ऊपर से नीचे कोई जा नहीं सकता, आ नहीं सकता। ऐसी सुविधा, ऐसी स्थिति, ऐसा स्वरूप इस धर्म का है, तो सिर्फ श्रेणी पर आधारित। और तीसरी बात उन्होंने कहा हिंदू, कही हिंदू धर्म की, एक वर्ग ने दूसरे वर्ग के साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए इसके नियम बिल्कुल नहीं। जिस धर्म में मनुष्य को स्थान नहीं वह मुझे मंजूर है। मैंने अभी कहा कि एक वर्ग ने दूसरे वर्ग के साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए। क्या शूद्र अगर सेवा करते हैं तो उनके साथ किस तरह से पेश का आने आना चाहिए, ये उन्होंने बताया नहीं। वो सिर्फ मारपीट करते थे, उनका छल करते थे, उनको गुलाम बनाते थे। यही ब्राह्मण ब्राह्मण ही रहता था, वो कितनी चाहे यानी कैसा, वो कितना भी गंदा हो फिर भी वही रहता था, वो कितना भी अज्ञानी हो वही रहता था। यह सारी दुविधाएं वहां थी, यानी अच्छी बात वहां नहीं थी। तो बाबा साहब इसलिए कहते हैं कि जिस धर्म में मनुष्य को स्थान नहीं वह मुझे मंजूर है। बाबा साहब ऐसे प्रज्ञावान थे कि अगर चावल उनके सामने रखा तो तुरंत देखते थे कि उसमें ये, उसको मराठी में गार कहते हैं, जो बहुत कड़क रहती है, और खड़ा खड़ा यानी पत्थर, छोटे छोटे पत्थर रहते, वो तुरंत देखते थे और उसको निकालते थे, वो धम्म विचय कर सकते थे। तो बाबा साहब यहाँ धम्म विचय कर रहे हैं और लोगों के सामने धम्म विचय रख रहे हैं, इसीलिए वो कह रहे हैं कि ये जो है ये मैं निकाल, ये मुझे मंजूर नहीं है।
मनुष्य का विकास यह धर्म का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए। अब बाबा साहब धम्म का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन धम्म की ओर जाने के लिए हमें दिखाते हैं, मार्ग दिखाते हैं। तो वो कहते हैं कि मनुष्य का विकास यह धर्म का अंतिम उद्देश्य होना चाहिए, जो हिंदू धर्म में बिल्कुल ही नहीं है। व्यक्ति समाज का हिस्सा होती है, फिर भी वह उसका खुद का विकास फिर भी वह उसका खुद का विकास होना चाहिए। उन्होंने ये मंजूर किया है, स्वीकार किया है उसका, कि समाज का एक भाग व्यक्ति होती है, मनुष्य से ही समाज बन जाता है। लेकिन समाज अगर उस पर अमल करता है, समाज उसका उसको गुलाम बनाता है, तो वो समाज अच्छा नहीं है। तो समाज में जब वो रहती है तो उसके खुद के भी कुछ बंधन होने चाहिए, उसके खुद के नियम होने चाहिए। व्यक्ति समाज का अगर हिस्सा भी होगी, फिर भी वह उसका खुद का विकास वहां उसका खुद का विकास भी होना चाहिए। जैसे हम व्यक्ति समूह और आध्यात्मिक समाज का जब समाज की जब पढ़ाई करते हैं, तो यह हमें स्पष्ट हो जाता है कि मैं व्यक्ति समाज का हिस्सा जरूर हूँ, लेकिन समाज के विचारों से ही चलूंगी ऐसा नहीं। जो मेरा विचार है, ऐसा विचार कि जो मुझे आध्यात्मिक उन्नति की ओर ले जाएगा, वही मैं स्वीकृत करूंगा, उसको ही मैं स्वीकार करूंगी, मंजूर करूंगा। जिस विचार से, जिस समाज के विचार से मैं गुलाम बनूंगी, मुझे खुद को सोचने के लिए मुझे अवसर नहीं प्राप्त होगा, उस विचार से मैं सहमति बिल्कुल नहीं। ऐसे विचार उसमें रखे, बिल्कुल वैसी तरह के विचार बाबा साहब ने उस समय 1936 में लोगों के सामने रखे थे। देखो बोधिसत्व का विचार कैसे शुरू है। तो व्यक्ति समाज का हिस्सा जरूर है, लेकिन उस समाज में उसका खुद का विकास होना जरूरी है। तो समाज की गुलाम नहीं है, यह सीधे सीधे वो बताते हैं। गाड़ी और चक्का, उसका चक्का जैसे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, और चक्के के बिना गाड़ी नहीं चल सकती और गाड़ी के बिना चक्का जुड़ नहीं सकता, ऐसा संबंध व्यक्ति और समाज का नहीं होना चाहिए। ये भी उन्होंने स्पष्ट किया है कि समाज की सेवा के लिए लोग नहीं होते, वह खुद की उन्नति के लिए। समाज का एक हिस्सा सिर्फ होते हैं, लेकिन समाज में रहते रहते वो खुद की उन्नति भी करना चाहते हैं। हर एक व्यक्ति अगर खुद की उन्नति करता है तो पूरे समाज की उन्नति हो जाती है। लेकिन समाज के बंधनों में रहकर अगर कोई व्यक्ति उस समाज की गुलाम बन जाती है, तो उसका उसका खुद का विकास या उन्नति कभी हो नहीं सकती। यह हम देखते हैं और बुद्ध धर्म में यही बताया। बाबा साहब सीधा बुद्ध धर्म का नाम नहीं लेते, लेकिन बुद्ध धर्म के विचारों को वो यहाँ प्रकट करते हैं। इसी कारण से जो सुधारवादी या प्रगत देशों में एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को गुलाम बनाकर रख नहीं सकता, जो कि इंग्लैंड है, अमेरिका खंड के कई कई दूसरे देश है जो सुधारवादी है, प्रगत है, उन देशों में ऐसी गुलामी दिखाई नहीं देती। बाबा साहब जब अमेरिका गए, कोलंबिया विद्यापीठ में पढ़ाई कर, उसके बाद वो इंग्लैंड भी गए, वहां भी उन्होंने पढ़ाई की, उन्हें दिखाया, बहुत एक्सपीरियंस आया। जो लोग काला और गोरा भेद वहां मानते थे, सब उन्होंने भी थोड़ा सा अनुभव लिया, लेकिन इतनी मात्रा में नहीं लिया जितनी मात्रा में उन्होंने अस्पृश्यता का अनुभव अपने भारत में लिया था। तो उन्हें दिखाई दिया कि ये जो प्रगत राष्ट्र है, प्रगत देश है, इसमें एक पुरुष दूसरों को गुलाम बनाकर नहीं। आज भी हम देखते हैं, हम भी कभी कभी व्यक्ति नहीं रहते, हम कहते हैं ज्यादा लोगों की राय क्या है, चलो मैं आपसे सहमत हूं, लेकिन उस राय से क्या हम खुद का विकास कर रहे हैं, यह भी देखना है। उस राय से सबका विकास हो रहा है या सब ज्यादा लोगों की ओर रहा है, इसलिए मैं स्वीकृत कर रहा हूँ, स्वीकार कर रहा हूँ, यह भी देखना चाहिए। यूरोप में
या अमेरिका में जो जो प्रगत राष्ट्र है वहां हमें दिया, हमें ऐसा दिखाई देता है, आज हमारी जो ऑर्डर है उससे मैंने अनुभव लिया है कि अगर मैं कहती हूँ ऐसा तो मेरे मेरे बाजू में, मेरे पक्ष में जो होती है मेरी सहेली, धम्मचारिणी है या धम्म मित्र है, तो कहते हाँ गुरुमेगा पर मेरी श्रद्धा है तो मैं उनके पक्ष में हूँ, गुरुमेगा जो कहेंगी वो सच है, तो यानी कि ये अंधश्रद्धा है। तो मैंने उसको श्रद्धा के नाम से उसको गुलाम बनाया। मैं उसको ऐसा नहीं कहती कि देखो तुम्हारी राय रखो, तुम खुद सोचो, मैं कहती हूँ इसलिए, वो तो खुद भी कहते हैं कि मैं कहता हूँ इसलिए नहीं, जैसा सुनार सोने को तपाकर उसकी जांच करता है, कसौटी लेता है, उसी तरह आप भी मेरी भाषा, मेरा धम्म की कसौटी लो, उसको जांच लो, उसका अनुभव करो, अगर आपको ऐसा लगता है हाँ यह धर्म सुख की ओर ले जाने वाला है, यह धर्म उन्नति की ओर ले जाने वाला है, यह धर्म से लोभ नष्ट हो जाता है, द्वेष या राग नष्ट हो जाता है, अज्ञान नष्ट हो जाता है, तो इसको स्वीकार करो। बिल्कुल उसी तरह जो राष्ट्र, प्रगत राष्ट्र के लोग हैं वो बहुत पढ़े हुए हैं, वो सामने वाली को, सामने वाले को व्यक्ति करके देखते हैं, उनको कहते हैं देखो मेरी तो ये राय है, तुम्हारी क्या राय है तुम बताओ, तुम सोचो, ऐसी हालात या ऐसे हालात यहाँ नहीं थे, और वो लोग इसीलिए दूसरे को मनुष्य करके देखते हैं, मनुष्य के दृष्टि से देखते हैं, सामने वाला भी मनुष्य है यही देखते हैं, इसलिए वो अपने विचारों का, अपने भावनाओं का गुलाम नहीं बनाते। बाबा साहब को यह बात बहुत यानी जची, उनको बहुत अच्छी लगी, वो कहते हैं हिंदू धर्म इसी वजह से मुझे नामंजूर है, क्योंकि इसमें एक आदमी, एक पूरा समाज, एक वर्ग दूसरे वर्ग को गुलाम बना के रखता है, और गुलामी करने के लिए ही मजबूर करता है, अगर वो गुलाम ही नहीं करते, थोड़े ही में अपनी राय सामने रखते हैं, तो उसको मारपीट करते हैं, उसको छलते हैं, उसको बहिष्कृत करते हैं। आज भी ये बात होती है, कई सारे समाचार हमको पढ़ने को मिलते हैं, कई कभी टीवी में दिखाई भी देते हैं, आज भी थोड़ी मात्रा, उस मात्रा में नहीं लेकिन कम मात्रा में हम आज भी दिखाई देता है, पूरी तरह से ये बात मीट मीट नहीं गई। तो बाबा साहब को यह दिखाई दिया कि एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को गुलाम बना के रखता है, क्योंकि उनकी सोच कम है, उनकी शिक्षा कम है, उनके विचार इतने उन्नत नहीं है, और हिंदू धर्म में यही है, इसलिए हिंदू धर्म मुझे नामंजूर है। बाबा साहब ठुकराते हैं, देखो 1935 में उन्होंने घोषणा की और यहाँ तो उन्होंने ठुकरा भी दिया। चार वर्णों के बारे में उन्होंने बताया कैसा वर्ण है, पहला वर्ण है ब्राह्मण वर्ण, जो सिर्फ विद्या ग्रहण करता है, वेदों का पठन करता है, संस्कृत का पठन करता है, विधिया गतिविधियां जो धार्मिक गतिविधियां उनको पार करता है। दूसरा वर्ग है क्षत्रिय वर्ग, वो शस्त्र धारण करता है, लड़ता है और राज्य की रक्षा करता है, देश की रक्षा करता है। तीसरा है व्यापार उद्यम करने वाला वैश्य वर्ग, वो सिर्फ व्यापार उद्यम ही करता है, द्रव्य कमाता है। और चौथा है शूद्र वर्ग, जो सिर्फ सेवा करता है, उसके सिवा वो कुछ नहीं कर सकता। बाबा साहब ने यहाँ विषमता देखी, वो कहते हैं हर एक को विद्या की जरूरी है, हर एक को ज्ञान की जरूरी है, उसे ज्ञान ग्रहण करना ही चाहिए, हर एक को शस्त्र की जरूरी है, हर एक को द्रव्य की जरूरत है। तो देखो अगर यानी ब्राह्मण कहा गया, यानी कहीं बाहर घूमने गया, उस पर किसी ने आक्रमण किया, तो क्या उसको वेद समझाएगा, उसको शस्त्र चाहिए। अगर कोई मेरी बिल्ली चिल्ला रही है यार, तो अगर यानी
जो है उसके पास धन है, उस पर भी किसी ने आक्रमण किया, क्या उसको शस्त्र नहीं चाहिए? जो ब्राह्मण है, जो क्षत्रिय है, उन्हें कुछ खरीदना है तो उनको द्रव्य चाहिए, और शूद्र का तो विद्या भी चाहिए, शस्त्र भी चाहिए, द्रव्य भी चाहिए, ये सब चाहिए। लेकिन ऐसी ऐसी सुविधा इस चार वर्णों में नहीं है। एक वर्ग सिर्फ वही काम करेगा, दूसरा वर्ग वही काम करेगा, जो दिया है वही करेगा, क्योंकि उनका धर्म सनातन धर्म है, उसमें बदलाव नहीं आ सकता। और जो सनातन है उनका कहना है कि ये ईश्वर ने बताया है, और ईश्वर का शब्द है वो आखिरी शब्द है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं आ सकता। कुमारिल भट्ट कहता है कि बुद्ध ने जो कुछ बताया वो बहुत अच्छा है, लेकिन उसका मूल्य कैसा है? उसका मूल्य ऐसा है जैसे गाय का दूध, गाय के दूध को पवित्र या अच्छा माना जाता है, सूरस कहते हैं, गोरस, वो पचता है, हजम होने के लिए अच्छा है। तो गाय का दूध जो है वह कुत्ते की जो चमड़ी है उसे, चमड़ी से बनाई हुई थैली या बैग, उसमें भरा हुआ, भरे हुए दूध की तरह है, यानी कुत्ते की चमड़ी अच्छी नहीं, उसकी जल्दी बाहर आ जाती है, जल्दी सड़ जाती है, बहुत बदबू आ जाती है, उसमें भरा हुआ दूध जैसा, दूध का जो मूल्य है उस धर्म का मूल्य है, क्योंकि यह धर्म क्षत्रिय ने बताया। तो जो धर्म है सिर्फ ब्राह्मण बता सकते हैं, क्षत्रिय नहीं। बुद्धों ने उन दिनों 2500 साल पहले बहुत बड़ी क्रांति की कि क्षत्रिय होते हुए भी धर्म को बताया, उसको प्रवर्तित किया, और यह काम उस चार वर्णों से अलग था, उनके विरुद्ध में जाने वाला था, इसलिए बुद्ध को भी उन लोगों ने बहुत परेशान किया था। तो बौद्धिक गुलामगिरी, जिसको गुलामी, यह उनकी एक साजिश है कि अगर ये चार वर्णों में इनको बंद कर रखते हैं और कहते हैं कि ईश्वर ने यह कहा, ईश्वर का यह मंजूर है, तो ईश्वर ईश्वर को तो लोग बहुत डरते हैं, जिसको देखा नहीं लेकिन कुछ चमत्कार देखे, ऐसा होता है वैसा होता है, यह देखकर जिन जिन्होंने पढ़ाई नहीं की, जिनके पास विद्या नहीं है, वो लोग डर गए, सहमे सहमे रहे, और ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए जो ब्राह्मण बताते रहे वो करते रहे, आज भी करते हैं। मेरे यहाँ डॉक्टरेट प्राप्त करने वाली क्या कहते टीचर है, लेकिन पूरे कारभार वो शिक्षी ब्राह्मण की, ब्राह्मण को बुलाती है, पूछती है, और उसके तरह ही वो चलती है, खुद का, यानी वो डरती है, डर की वजह से, ईश्वर के डर के वजह से लोग धर्म को पकड़े हुए हैं। जिनको यह पता चला कि ईश्वर नहीं है, वो धर्म को डरते ही नहीं, धर्म को मानते ही नहीं। और जो अगर लोग पढ़ेंगे, विद्या प्राप्त करेंगे, जो शूद्र है, जो वैश्य है, जो क्षत्रिय है, वो विद्या प्राप्त करेंगे, तो वो सोचने लगेंगे, सोचकर सच्चाई को ढूंढने लगेंगे, तो हमारा क्या होगा? यह सोचकर ब्राह्मणों ने इन लोगों को ऐसे ही विद्या 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 के बिना रखा है। तो गुलामी, हम गुलाम बन गए, और यह उनकी एक साजिश थी, एक चाल थी, कि चातुर्वर्ण्य को बढ़ोतरी देने की, उस पर निर्भर रखने की। इसलिए कई दिनों तक हमारा विकास हुआ नहीं, जब तक यानी धर्म में सहानुभूति, समता और स्वातंत्र्य विकास के लिए आवश्यक है, जो हिंदू धर्म में बिल्कुल नहीं है। हमें देखना कि क्या सचमुच हम आज भी इस गुलामगिरी के बलि है, और यह चातुर्वर्ण्य आज भी हमें दिखाई देता है, यह अनेक चीजों पर हमें विचार करना है। मैं देखती हूँ, केवल चातुर्वर्ण्य ही नहीं, तो गोरा काला भेद भी हमें कई बार दिखाई देता है। जब तक हम लोगों को भेद की नजर से देखेंगे, नजरिया से देखेंगे, तब तक हम मनुष्य को मनुष्य नहीं समझेंगे, तब तक धर्म जो
मनुष्य को मनुष्य के उन्नति के लिए वो धर्म हम प्राप्त करते हैं। तो देखो आज यूरोप या अमेरिका में हमें हमारे यहाँ जैसे स्पृश्य अस्पृश्य या चातुर्वर्ण्य आज भी थोड़ी बहुत मात्रा में मौजूद दिखाई देता है, वैसे यूरोप या अमेरिका में ये गोरा और काला भी दिखाई देता। उन दिनों बाबा साहब जब यूरोप में थे या अमेरिका में थे उन्होंने भी यह देखा कि काले लोगों को पीटा जाता था। आज भी हमने कई सारे वीडियो देखे हैं कि जो गोरे लोग हैं उनके हाथ पर उनके जूते के पाव रखकर ऐसे मरोड़ देते हैं या कुचला देते हैं, उनको मारते हैं, आज भी उनको गुलाम बनाए। अफ्रीका के कई सारे काले लोग और अमेरिका में जो विषु वृत्त वहां से गए तो वहां विषु वृत्त के आजू बाजू काले लोग हैं, तो काले लोगों को गुलाम बनाकर खेती में काम करने के लिए बैल के जगह काम करने के लिए लाया जाता था। उन पर बहुत अत्याचार होते थे, बहुत जुल्म होता था। जहां जहां ऐसे जुल्म अत्याचार हुए वहां वहां कुछ अच्छे व्यक्ति पैदा हुए और उन्होंने उस जुल्म को विरोध किया और कुछ उनके मुक्ति के लिए काम किया है। जैसे नेल्सन मंडेला का भी काम बहुत अच्छा है, बाबा साहब ने यह काम यहाँ किया है। हमें यह देखना है कि क्या बाबा साहब ने यह सब बताया है हम हमारे मन से यह गुलामगिरी या गुलामी गई है क्या? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है अगर हमारे यहाँ कोई ब्राह्मण आ जाता है तो हम उसको ज्यादा मान देते हैं, सम्मान करते हैं, देखो हमारे यहाँ ब्राह्मण है। क्यों? उसकी उसको भी त्वचा है यानी चामड़ी है, हमारे भी चामड़ी है, ठीक है, उसकी गोरी हो सकती है, काली हो, काले भी है ना, वो लोग गोरे भी है काले भी है, लेकिन देखो हम किस नजरिया से हर एक की ओर देखते हैं, हम जाति की नजरिया से कई बार देखते हैं, वो ब्राह्मण है तो उसको हम कुछ अच्छा सा काम देते हैं, चलो आ जाओ हमारे यहाँ, हम हमारी ओर यानी हम उसकी ओर आकृष्ट हो जाते हैं। तो आज भी हमारे मन में जात है, हम देखते हैं कि क्या जो कुछ धर्म बताने वाला व्यक्ति है या वो बौद्ध है या कैसा है। तो आज भी हम देखते हैं कि हमारे समाज से जुड़ा हुआ है या नहीं है, लेकिन अगर कोई अच्छा विचार हमारे सामने प्रकट करता है चाहे वो दूसरे जाति का हो, लेकिन बुद्ध के विचार बुद्ध का नाम ले लेकर अगर हमारे सामने प्रकट करता है और हम उसको स्वीकार नहीं करते क्योंकि वह दूसरे जाति का है तो वो हमारी अधोगति है, हमारी उन्नति है, अवनति है। बाबा साहब ने यह जो चीजों उन लोगों के सामने धर्म को स्वीकार करने के लिए बताई है, आज हमने धर्म स्वीकार किया है लेकिन जड़ से कई बातें हमारे समाज से भी नहीं गई, उसके बारे में हमें गौर करना है, उस पर सोचना है। मैंने ये अनुभव किया है इसलिए मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। हम देखते हैं गोरे और कालों का भेद भी है हमारे मन में, जो जिनकी त्वचा चामड़ी बहुत गोरी रहती है उनको हम सुंदर कहते हैं, जिनको काले रहते हैं हम उसको दूर रखते हैं, हम कहते हैं नहीं नहीं उसको स्टेज पर मत लाओ, उसके हाथ से फूल वगैरह मत दो, वो अच्छी दिखती है उसको। हमें गुणों को देखना, क्या वो अच्छी बात करता है, क्या उसका स्वभाव अच्छा है, क्या उसकी बुद्धि अच्छी है, क्या अच्छे से वो अपने को खुद को प्रकट कर सकता है, प्रेजेंटेशन दे सकता है, इसको देखना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं नहीं, वो साफ साफ सुथरा दिखता है, गोरा चिट्टा दिखता है, उसकी ओर अट्रैक्शन हो जाता है। तो मेरे बच्चे मुझसे बहुत बहस करते हैं, हाँ क्या, हाँ गोरा गोरा तुझे बहुत गोरा। तो अगर मेरे पास अभी बिल्ली है वो काली नहीं है, अलग रंग की है लेकिन अच्छी दिखती है, तो वो कहते हाँ काली बिल्ली नहीं पसंद आएगी, ये बिल्ली पसंद आएगी। तो हमारी मानसिकता है वो भी हमें बदलनी चाहिए। तो गोरा और काला भेद हमारे मन से मिट गया है क्या? क्या जाति, तो हम देखते हैं ब्राह्मण की ओर हम खींचे जाते हैं, मराठा कोई हमारे इसमें आए तो उस पर उसकी ओर भी खींचे जाते हैं, लेकिन कोई मेहतर जिसको हम भंगी कहते हैं साफ सफाई करने वाला, वो अगर हमारे में आ जाए तो हम उतने नहीं आकृष्ट हो जाते जितने हम ब्राह्मण मराठा समाज की ओर आकृष्ट हो, क्योंकि हमारे मन में आज भी वो श्रेणी थोड़ी सी बाकी है। हम देखते हैं कौन है वो उच्च श्रेणी के, क्यों उच्च क्यों निचले। तो हमें यह जो भेद है वो हमारे मन से जाना चाहिए जब हमने धम्म का शिक्षण किया। बाबा साहब इन लोगों को इस पर गौर करने के लिए छोड़ते हैं, चार वर्णों की व्यवस्था को वो धिक्कारते हैं। और मैंने बताया कि ब्राह्मण ब्लैक कलर है, गोरे भी है और काले भी है, दोनों भी है, लेकिन गोरे लोगों की ओर हम जाते हैं, जाति की ओर हम खींच जाते हैं,
यह सारा हमें देखना है, हमें इस पर गौर करना है, क्या आज भी हम जाति के गुलाम गुलाम हैं, या हम चार वर्ण के गुलाम हैं, हम रंगों के गुलाम हैं, हम वर्ण देश विदेश की जो सीमाएं है उसके गुलाम हैं, या हम जो प्रदेश है उसके गुलाम हैं, हम भाषाओं के गुलाम हैं, यह सब हम देखना है। जब तक ये सारा भेद मिट नहीं जाता तब तक सच्ची तौर पर हमने धर्म को स्वीकार किया है ऐसा हो नहीं सकता, ऐसे मुझे लगता है। मैं यही ठहरती हूँ और आपके सामने सिर्फ कुछ सवाल रखती हूँ। सोचो कि चार वर्ण व्यवस्था क्या है और हमें है क्या, धर्म के धर्म का स्थान धर्म में हमें उन्नति के लिए कुछ मार्ग सचमुच मिला है? जो धर्म भेद करता है वो हमें सचमुच नामंजूर है? गोरा और काला भेद हम या जाति का भेद आज भी हमारे मन से गया है नहीं गया है कि हमें देखना है। बाबा साहब ने यह सब उनको बताया है और गुलामी से मुक्त होने के लिए चुनौती दी है, वो चुनौती हमें स्वीकृत करनी है। उन लोगों ने बाबा साहब पर बहुत श्रद्धा थी इसलिए धर्म को स्वीकार किया। बाबा साहब ने उनको भी सोचने के लिए मौका दिया है और धर्म को स्वीकार करने के लिए उनके उनके सामने चुनौती रखी थी। आज भी हमारे सामने चुनौती है, हम यही ठहरते हैं क्योंकि 5 दिन मुझे लेक्चर देने हैं तो उसको थोड़ा 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 करके मैं दे दूंगी। कल मैं आपके साथ सहानुभूति क्या है, समता क्या है, स्वातंत्र्य क्या है उसके बारे में बात करने वाली हूँ। मैं यही रुकती हूँ, आपसे विदा लेती हूँ। धन्यवाद। जय भीम।